तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 43-47। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारी पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। और गाइस मेरे मुंह में थोड़ा सा छाला हो गया जिसके कारण आवाज आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो प्लीज आज उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडंग था वो अपना मिशन पूरा करने के लिए ब्लड रॉक ग्राउंड तक पहुंच चुका था, और वहां पर लिंगडंग को वहां पर निर्वाणा क्रिस्टल माइंस का उसने दोहरावरा किया था। उसके बाद वहां पर जो सिस्टर फैंग थी वह लिंगडंग चुगली खोल लड़की इंगुआनुआन और अर्थोर और फ्लड हॉर का वो जो डिसाइपल था उन सभी को लेकर, साथ ही साथ अपने साथ भी कुछ डिसाइपल्स को लेकर वह एक जंगल की तरफ गए थे, और इशारा करते हुए इंगुआनुआन को बताया था इसी जंगल रास्ते यहाँ पर फायर क्रिस्टल डीमन ही अटैक करते हैं। फायर क्रिस्टल डीमन की संख्या लगभग 40 है। वहाँ पर लिंगडंग ने सुझाव दिया था ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो जिसके कारण फायर क्रिस्टल डीमन आप उस चीज की तरफ अटैक कर रहे हो। वहाँ पर फैंग ने बताया था, यानी लड़की फैंग ने बताया था, ऐसा नहीं हो सकता, हमने पूरी माइंस की जांच कर ली है, माइंस में कोई भी खजाना वजाना नहीं और ना ही कोई नेचुरल ट्रीजर पड़ा हो। वहाँ पर लिंगडंग बोलता है ऐसा हो सकता है कि जो ट्रीजर हो वह इस जंगल के अंदर हो, और वह जो ट्रीजर हो जंगल की ज्यादा गहराई में ना हो, इसलिए यहाँ पर डीमन ऐप जब उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पर कुछ होता होगा जिसके कारण वो लोग इस एरिया की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जो सिस्टर फैंग होती है वह कहते हैं हाँ मैंने जंगल को पूरा चेक नहीं करवाया है, जंगल काफी ज्यादा बड़ा है और जंगल के अंदर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, और स्पेशली ये फॉरेस्ट डीमन एप है, ये फॉरेस्ट डीमन एप काफी ज्यादा भारी संख्या में अंदर है, और जैसे ही कोई कल्टीवेटर अंदर घुसने उसने की हिम्मत करता है वो लोग धड़ धड़ अटैक कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम लोग जाते हैं, और जाते भी है ना तो ग्रुप्स में जाते हैं। तभी वहाँ पर जो चुगलीखोर लड़की इंगुआनुआन होती है वह सिस्टर फैंग से बोलती है, सिस्टर फैंग अरे यार तो आपने अंदर चेक उक नहीं करवाया, इसका मतलब अंदर कुछ तो है, चलिए एकदम धरधा धरधा चलते हैं और उस चीज का पूरा जांच करते हैं। वहां पर फैंक कहते हैं अरे कहाँ धरधा धरधा अंदर जा रही हो, अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है, अंदर एक के बाद ना अब खूब सारे फॉरेस्ट डीमन ऐप तुम पर अटैक कर देंगे, तो एक निर्वाणा का लेवल 7 वाला कल्टीवेटर भी ना उन सभी डीमन ऐप का सामना नहीं कर पाएगा, वो काफी ज्यादा भारी मात्रा में है, अगर हम लोग चाहते तो उन सभी डीमन ऐप को डिस्ट्रॉय तो कर सकते थे, बट तुम भी जानते हो भारी मात्रा में है और ऊपर से जंगल में है, और ऊपर से फायर क्रिस्टल डीमन एप काफी तेज भागते हैं। यहाँ पर डाउसेक ने, मतलब इस निर्वाणा क्रिस्टल माइन में डाउसेक ने 100 स्टूडेंट्स को तैनात किया हुआ है, और 100 स्टूडेंट्स अगर चाहे तो इन पर बढ़िया से अटैक कर इन तबाह तो कर सकते हैं, बट हमारे भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घायल होंगे, तो फालतू में ऐसा मुसीबत क्यों लेना, जंगल में रहते हैं तो आराम से शांति से रहने दो। तभी वहां पर जो इंगुआनुआन होते वह कहते अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है, जंगल में चलो, एक भी डीमन ऐप हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद वहां पर जो इंगुआनुआन होती है वो तुरंत अपने पास से एक जीथर निकाल लेती है। गाइस जीथर वो नहीं होता है, गिटार नियर होता है, आपने बहुत सारी एंशिएंट या कल्टीवेशन चाइनीज मांगा में देखा होगा, वहां पर कुछ एल्डर्स जीथर का यूज करते हुए अटैक करते हैं। वहां पर इंगुआनुआन वही जीथर निकालती है और आसमान में उड़ जाती है। इंगुआनुआन की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बाहर निकलने लगता है। उसके बाद जो इंगुआनुआन होते हैं वह कहते हैं चलो सारे लोग जंगल में चलो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर सारे लोग जंगल में जा रहे होते हैं, तभी उन पर बहुत सारे फायर क्रिस्टल डीमन ऐप अटैक करते हैं। ये सारे जो डीमन ऐप थे ना उनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 4 लेवल 3 पर थी, अगर यहाँ पर ये लोग चाहे तो बहुत ही आसानी से मार सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में उन पर डीमन ऐप अटैक करते हैं। बट वहां पर जो इंगुआनुआन होती है वह तुरंत अपने जीथर को प्ले करती है
और जैसे ही वो अपने जीतर को प्ले करती है ना, उसके जीतर रास्ते काफी खतरनाक और एक अजीब सा मिस्टीरियस साउंड निकलता है। और ये मिस्टीरियस साउंड है जैसे उन डीमन एप से जाकर कानों में पड़ता है। वो डीमन एप अचानक से बेहोश होने लगते हैं, मतलब वो सारे डीमन एप धड़ाधड़ जमीन वमीन पर गिरने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग इंगुआन वान की इस पावर को देख कर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, ये तो साउंड अटैक है। क्या यहाँ पर जो इंगुआन वान है वह साउंड मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करती है? लिंगडोंग ने पहली बार मतलब किसी साउंड प्रैक्टिशनर को देखा था। वहां पर जो इंगुआन वान होती है वह सभी डीमन एप को बेहोश करने के बाद वह तुरंत फिर से सभी ग्रुप के पास उतरती है। बहुत ज्यादा एटीट्यूड में लिंगडोंग को देखती है और कहती है, ये तो मेरे लिए बच्चों का काम था। और वह फिर ग्रुप को लीड करते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद वो लोग ऐसे ग्रुप को लीड करते हुए जंगल में इधर उधर खोजने लगते हैं कि आखिर रीजन क्या है जो यहाँ पर फॉरेस्ट डीमन एप इतनी ज्यादा भारी मात्रा में इस जगह की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक अजीब से पेड़ पर पहुँचते हैं, मतलब पेड़ के सामने पहुँचते हैं। वो पेड़ काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और काफी ज्यादा बड़ा था और उस पेड़ पर केवल 4-5 फल ही लगे हुए थे, सॉरी 5 फल लगे हुए थे। और फलों रास्ते एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू फैल रही होती है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो सिस्टर फैंग है, मतलब इंगुआन वान के साथ जो नहीं खूबसूरत सी लड़की है, वो किस हॉल से बिलोंग करती है? तो जो सिस्टर फैंग है वो स्काई हॉल से बिलोंग करते है। और गाइस ये मत सोचिएगा कि एक हॉल वाला बंदा दूसरे हॉल से नफरत करता है, बट यहाँ पर कंपटीशन की भावना लग रहे थे, नफरत वाली बात नहीं होती यहाँ पर। अब सेट में अभी नफरत वाली बात आएगी जब एकदम सेट कंपटीशन होगा जहाँ पर युआन गेट और यहाँ पर लिंगडोंग का हो सकता है लिंक यूंगजी से भी सामना, उस वाले माहौल को देखने में मजा ही आ जाएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर वो लोग अजीब से मिस्टीरियस पेड़ के सामने पहुंचते हैं। उस मिस्टीरियस पेड़ पर 5 फल लगे हुए थे। पांचों फलों रास्ते काफी ज्यादा धीमी धीमी मिंद मिंद एकदम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मीठी मीठी खुशबू बाहर निकल रही होती है। वहां पर लिंगडोंग भी इस पेड़ को देखता है और उसे एहसास होता है यह पेड़ कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है। इसके अंदर जो 4-5 फल लगे हुए ना, वो काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा छोड़ रहे हैं। वहां पर जो इंगुआन वान साथ ही सिस्टर फैंग होती है, वो लोग भी काफी ज्यादा शौक में उस पेड़ को देखते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है इतना ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर? वहां पर लिंगडोंग बोलता है, आखिर ये क्या चीज है? मतलब लिंगडोंग जानता था ये पेड़ कोई नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। वहां पर इंगुआन वान बोलती है, ये तो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री? वहां पर इंगुआन वान बोलती है, हाँ, इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री, ये काफी ज्यादा एक हाई लेवल का ट्रेजर वाला पेड़ है। वो जो तुम 5 फल देख रहे हो ना, वो फल काफी ज्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं। अगर कोई कल्टीवेटर उन फल को एब्जॉर्ब करता है और उनकी पावर को अपनी कल्टीवेशन में यूज करता है, तो उस कल्टीवेटर की पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ेगी। ये फ्रूट सबसे ज्यादा खास है, बट फ्रूट से भी सबसे ज्यादा खास तुम जान रहे हो क्या है लिंगडोंग? ये पेड़। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं, तो आप हमारे पे टेलीग्राम में जाकर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 रुपए में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवल ही मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं, तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, आपसे मैं तुरंत कॉन्टेक्ट कर लूंगा। आपसे कॉन्टेक्ट करने के बाद केवल आपको 499 यानी 500 रुपए पेमेंट करने होंगे। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, मैं आपको मीन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो इंगुआन वान होती है, वह कहते हैं, लिंगडोंग ये पेड़ काफी ज्यादा खास है, इस पेड़ से जो फल निकलते हैं ना, वो फल बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। देखो यहाँ पर अभी पेड़ उतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है और इसमें अभी केवल 5 ही फल लगे हुए हैं, लेकिन अगर 5 फल का सेवन कोई कल्टीवेटर करता है तो उसका ब्रेक थ्रू करने का चांस काफी ज्यादा तेज होता है। बट
इन फलों को ध्यान से देखो, ये फल कुछ दिनों में पकने वाले हैं। अगर ये फल पक जाते हैं तो इनके अंदर से हो सकता है इस इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का बीज निकले। अगर हमें बीज मिल जाता है और हमारे सेट को यह बीज मिल जाता है तो हमारे सेट में यह इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री को लगाया जा सकता है। अगर हमारे सेट में यह ट्री लग गया तो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में फल होगी इनके। दरअसल सुनो, एक कहानी मैं बताता हूँ। दरअसल युआन गेट का नाम तुमने सुना ही होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर सेट जिसे माना जाता है। उसमें एक इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का पेड़ है और वो पेड़ काफी ज्यादा बड़ा है। उसे काफी ज्यादा मतलब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसमें जब फल लगते है ना वो हजारों में लगते हैं। और उन फलों का यूज करते हुए जो वहाँ के डिसाइपल है ना वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड को काफी स्पीड के साथ बढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ के उनके जो ट्रू जीनियस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें इस इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का एक बीज मिल जाए और हम इसे ले जाकर अपने सेक्ट में दे दें तो सच में हमारा सेक्ट भी काफी स्पीड के साथ ग्रो करेगा और हमारे सेट के पास काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रीजर आ जाएगा। यह पेड़ एक ट्रीजर से कम नहीं है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत तुम जान रहे हो क्या? अगर यह न्यूज फैल गई कि यहाँ पर इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स हम पर अटैक करेंगे और हमसे ये फल तो एकदम फल चुराने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी माइंस है ना उस पर भी हो सकता है बहुत सारे ग्रुप्स अटैक करें, हम बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। देखो हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये खबर फैल जाती है कि यहाँ पर इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है तो पक्का ही बहुत सारी ग्रुप्स यहाँ पर अटैक करेंगे और उनमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल निर्वाणा लेवल के एक्सपर्ट होंगे, मतलब निर्वाणा के लेवल 8, 11, 9। अगर इतने ज्यादा एक्सपर्ट काफी ज्यादा भारी मात्रा में बहुत सारे लोग भेज सकते हैं, अगर ऐसा हो गया ना तो हम लोग सच में उन सभी ग्रुप्स का सामना नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी तरह से इस बीज को ले जाकर अपने सेक्ट में देना होगा। देखो अगर हमारा जो डाउट सेक्ट है ना वहाँ की कल्टीवेटर अगर यहाँ के लिए निकले भी ना तभी भी मिनिमम 10 दिन लग सकता है और आसपास ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सेक्ट्स के ग्रुप्स हों। अगर ये न्यूज फैल गई तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत होगा लिंगडोंग, वहां पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा सीरियस मतलब ये लोग मिशन करने के लिए आएंगे। हो सकता है कि अगर ये न्यूज फैल गई तो पक्का इन पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स अटैक करेंगे और ये कल्टीवेटर्स अगर इन पर अटैक करेंगे तो सच में वो लोग उनका सामना कर पाएंगे या नहीं ये सब तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। वहां पर जो इंगुआन वान होते हैं उस पेड़ को टच करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तभी अचानक से जमीन उमीन पूरा अचानक से कुछ अजीब सा हिलने उलने लगता है। लिंगडोंग तुरंत इंगुआन वान को पकड़ता है, तुरंत पीछे हट जाता है और सभी के साथ सभी लोग मतलब पीछे हट जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो देखते हैं जैसे इंगुआन वान को उसने उस जगह से खींचा था ना वहाँ पूरी जमीन फट जाती है और जमीन फाड़ता हुआ एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट वहां पर प्रकट होता है। वह बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा था, उसके डोले शोले एकदम बहुत ही ज्यादा डेंजर से वह दहाड़ मारता है। वह जो बीस्ट होता है वो होता है फायर क्रिस्टल डीमन एप किंग। वहां पर जो फायर क्रिस्टल डीमन एप किंग है गाइस इसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 7 के पीक पर है और इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है डिफेंस वाली। वहां पर जो डीमन एप किंग होता है वह उन सभी को दहाड़ कर देखता और कहता है ये फल मेरा है, अगर तुम लोग इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री के आसपास भी आने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और गाइस ये डीमन एप किंग बोल सकता है एकदम इंसानों की भाषा और इसके पास इंसानों से जितनी तेज बुद्धि है, क्योंकि यह जो बीस्ट है वो निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टीवेटर है और जब भी कोई बीस्ट निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टीवेटर बनता है ना मतलब निर्वाणा के लेवल 2 या लेवल 1 का ही कल्टीवेटर बनता है ना तभी से पास उसके पास बुद्धि हो जाती है। अगर इस डीमन एप किंग का ब्लड लाइन शुद्ध होता तो ये एक इंसानी रूप भी धारण कर सकता था, लेकिन इसका ब्लड लाइन शुद्ध नहीं था। वहां पर जो डीमन एप किंग होता है सभी को देखकर दहाड़ मारता है, तभी वहां पर जो इंगुआन वान होती है वह डीमन एप किंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है अबे वो डीमन एप किंग तेरा दिमाग खराब है क्या, ये जो पूरा माइन वाला एरिया और जंगल ये सारा डाउट सेट के कंट्रोल में आता है और डाउट सेट तू जानता है ना कितना ज्यादा पावरफुल सेक्ट है और तू सच में यहाँ पर ये सब करने की हिम्मत कर रहा है। अगर डाउट सेट के कल्टीवेटर्स को ये पता चल गया ना तो तुझे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। वहां पर जो डीमन एप किंग होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ से डाउट सेट कितना ज्यादा दूर है और डाउट सेट के कल्टीवेटर को आने में यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगेगा और तब तक मैं इस फलों को यहाँ से तोड़ कर लेकर फरार हो जाऊंगा, अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ाऊंगा और छुप जाऊंगा और जंगल इतना ज्यादा बड़ा है और मैं जाकर इस पेड़ के बारे में ना
दूसरे दूसरे सेट के एकदम खबर वर फैला दूंगा, जिससे यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर और ग्रुप्स यहाँ पर अटैक करेंगे। तुम लोग उनसे फाइट करोगे या मुझसे फाइट करोगे? मैं एक बार इन फलों को लेकर इस पूरे इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का एकदम न्यूज है ना वो चारों तरफ फैला दूंगा, जिससे देखता हूँ तुम लोग मुझे पकड़ते हो या लोग तुम उन बंदों से सामना करते हो। वहां पर इंगुआन वान भी इस डीमन एप किंग के प्लान से काफी ज्यादा एकदम शॉक में थी। वहां पर इंगुआन वान अपने सभी दोस्तों से बोलती है, हमें किसी भी हालत में इस डीमन एप किंग को यहाँ पर जान से मारना होगा, और आसपास जितने भी डीमन एप है ना उन सभी को जान से मारना होगा, जिसके मतलब इस पेड़ के बारे में जितने भी यहाँ पर डीमंस को पता है सभी को जान से मारना होगा, क्योंकि ये डीमन एप किंग बहुत ही ज्यादा शातिर है। अगर यहाँ से ये फल तोड़कर लेकर चला गया और इसने यह न्यूज चार तरफ फैला दी कि यहाँ पर इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है, तो पक्का ही बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स इस पेड़ पर अटैक करेंगे और इस पूरे एरिया को अपने एरिया अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे, और हमारे डाउ सेट के कल्टीवेटर्स को यहाँ पर आने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। एक बार मतलब ये पूरा एरिया हमारे हाथ से चला गया ना तो माइन भी जाएगी और ये पेड़ भी जाएगा, और पेड़ हमें पेड़ से ना हमें केवल इस फल के अंदर जो बीज है ना उससे मतलब है, हमें किसी भी हालत में कुछ समय तक इस पूरे न्यूज को दबा कर रखना होगा ताकि हमें बीज मिल जाए और इसे ले जाकर हम लोग डाउ सेट में सौंप दे, और सेट को जाकर तुरंत इन्फॉर्म करो सिस्टर फैंग। वहां पर सिस्टर फैंग बोलते है ठीक है। वहां पर जो डीमन एप किंग की तरफ इंगुआन वान देख कर कहते है, तो ठीक है डीमन एप किंग साले बंदर चोर, आज तुम मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जा, आज मैं दिखाऊंगी कि डाउ सेट के स्टूडेंट्स की पावर क्या है। वहां पर डीमन एप किंग भी दहाड़ मारता और कहता आ जाओ दिखाता हूँ मैं भी कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। डीमन एप किंग पूरा अपना एकदम छाते होते धारदार धारदार पीटता है, काफी ज्यादा खतरनाक है। आसपास तुरंत डीमन एप मतलब यहाँ पर और भी ज्यादा लो लेवल के डीमन एप किंग थे ना, मतलब जिनके कल्टिवेशन निर्वाणा के लेवल 4 लेवल 5 पे, वो लोग तुरंत इनके चारों तरफ आ जाते हैं। वहां पर जो इंगुआन होते हैं वो तुरंत आगे बढ़ते हैं, तुरंत अपने हाथ में जीथर निकाल लेती है और जीथर को लेकर आसमान में उड़ जाती है, और फिर इंगुआन वान अर्थ हॉल के जियान हुआन और फ्लड हॉल के युआन लिंग के जो दोस्त चासी ने थे गाइस डाउसेट के चार बंदों को यहाँ पर भेजा था। पहला था लिंगडोंग, दूसरा था इंगुआन वान और तीसरा था ये युआन लिंग जो फ्लड हॉल से, और चौथा है जियान कुन। उन दोनों की तरफ देखकर इंगुआन वान बोलते है तुम दोनों डीमन एप किंग पर अटैक करो और लिंगडोंग तुम इन दोनों की साइड से मदद करो। वहां पर वो दोनों ही हामे सिर ले जाते हैं। वहां पर लिंगडोंग कुछ भी नहीं बोलता है, मतलब लिंगडोंग को अगर यहाँ पर फाइट करने का ना मौका मिला मतलब क्या ही लिंगडोंग फाइट करे। अब यहाँ पर चुगलीखोर लड़की से बहस करना तो एकदम बहुत ही ज्यादा अजीब बात हो जाएगी, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो हामे सिर लाता है। वहां पर जो इंगुआन वान होते वह कहती है युआन लिंग और जियान कुन तुम लोग इस डीमन एप किंग पर अटैक करो, लिंगडोंग तुम इसके साइड से मदद करो, मैं अपनी जीतर का यूज करते हुए इस डीमन किंग एप किंग पर साउंड अटैक मारती हूँ, जिससे मैं इस डीमन एप किंग की पावर को सप्रेस कर दूंगी। ये जो डीमन एप किंग है इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर है, साथ ही साथ ये पहले से ही निर्वाणा के लेवल 7 के पीक पर है, और मैं अगर जब इसकी स्पीड और पावर को कम कर दूंगी और इसकी आभावा को दबा दूंगी ना तुम लोग काफी आसानी से पीट सकते हो। वहां पर डीमन एप किंग हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग छोटे बंदे मेरा सच में सामना कर पाओगे। डीमन एप किंग अपनी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा को बाहर रिलीज करता है। वहां पर जो इंगुआन वान होती है चुगलीखोर लड़की वह तुरंत सिस्टर फैंग की तरफ देखकर कहती है सिस्टर फैंग आसपास जितने भी लो लेवल के जो डीमन एप है ना अपने सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर लाइए डाउ सेट के मतलब जितने भी हो सके, और इन सभी डीमन एप को यहाँ पर खत्म करिए। वहां पर सिस्टर फैंग बोलते है ठीक है मैं जाकर इन सभी छोटे मोटे डीमन को संभालती हूँ, ठीक है मैं ये सारा काम तो कर लूंगी बट तुम इस डीमन एप किंग को संभाल लोगी ना। वहां पर इंगुआन वान बोलते हाँ आप चिंता मत करिए सिस्टर, आप जाइए पहले आपको जो मैंने काम दिया वो किए करिए, और हो सके तो ना डाउ सेट में संदेश भी भेजने की कोशिश करिए और इस पूरे मामले को इन्फॉर्म करिए। वहां पर सिस्टर फैंग बोलते है ठीक है।
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और युआंगलिंग और जियान कुन की तरफ दिखाया जाता है। युआंगलिंग और जियान कुन तुरंत डीमन एप किंग पर काफी ज्यादा खतरनाक अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए दोनों डीमन एप किंग पर अटैक करते हैं। और गाइस ये दोनों भी निर्वाणा के अलावा सेवन के कल्टिवेटर होते हैं। युआंगलिंग और जियान कुन काफी ज्यादा खतरनाक पंच सीधे जाकर डीमन एप किंग पर मारते हैं। डीमन एप किंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन पर अटैक करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है। तुरंत जियान कुन और युआंगलिंग जाकर पीछे गिरते हैं। वहां पर डीमन एप किंग हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग अभी निर्वाणा के अलावा सेवन तक पहुंचे हो और तुम लोग मेरा सामना कर पाओगे? तभी वहां पर जो यिंग वान वान होती है वो अपने जीतर को प्ले करने लगती है। उसके जीतर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस है एक अजीब सा हरा कलर का एनर्जी अटैक सीधे उस डीमन एप किंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो जो डीमन एप किंग होता है वो तुरंत उस अजीब से एनर्जी अटैक पर अपना पंच मार कर एक ही और बहुत ही आसानी से उस एनर्जी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डीमन एप किंग हंसने लगता है और कहता है, मैंने लगा था तू यहाँ पर संगीत बजा रही है तो मुझे मजा आएगा, थोड़ा सा लड़ने वड़ने में मजा आएगा, तेरे एनर्जी अटैक में दम होगा, लेकिन ये तो एकदम तितली भांति टूट गया, एकदम तू बहुत ही ज्यादा मुझे नोबड़ी लग रही है। तभी वहां पर जो इंगुआन वन वहां हंसते कहती है, अरे पहले अटैक को देखो, वो जो अजीब से हरा सा कलर का अटैक नहीं था वो डिस्ट्रॉय तो हो गया था, लेकिन वो अटैक खत्म नहीं हुआ था बल्कि वो सारा अजीब सा टुकड़ा टुकड़ा सीधे डीमन एप किंग की बॉडी में चला जाता है। जैसे ही वो सारा अजीब सा टुकड़ा एनर्जी का ना डीमन एप किंग की बॉडी में जाता है, डीमन एप किंग तुरंत उसका बॉडी जैसे पैरालाइज हो गया। डीमन एप किंग हिल भी नहीं पा रहा होता है। डीमन एप किंग तुरंत अपनी बॉडी में युआन एनर्जी को सर्कुलेट करता है और इस पूरे प्रोसेस से बाहर निकलता और कहता है, ये जीतर अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजर है, ये बंदी सच में मुझे पैरालाइज करने की कोशिश कर रही है, अगर फाइट के बीच में ऐसे पैरालाइज हो जाऊंगा तो यहाँ पर जो दो इसके साथी हैं मुझे बहुत ही आसानी से पीट सकते हैं। और इधर हमें लिंगम को दिखाया जाता है जो उस इंगुआन वान के जीतर को देख कर कहता है, सच में इस इंगुआन वान का बैकग्राउंड काफी ज्यादा मुझे स्ट्रांग लगता है क्योंकि इसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल जीतर है और ये कोई नॉर्मल जीतर नहीं है बल्कि एक सोल ट्रीजर है। और ये जो जीतर की पावर है ना, इसकी पावर मेरे ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अगर यहाँ पर मेरे ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील की बढ़िया से कीमत लगाई जाए तो 15 मिलियन निर्वाणा पिल्स एकदम बढ़िया होती हैं। बट यहाँ पर जो अगर इस जीतर की बोली लगाया जाए तो कम से 1 बिलियन निर्वाणा पिल्स तो जाएंगे ही। सच में ये बहुत ही ज्यादा एक भारी अमाउंट है और इसका जो सोल ट्रीजर है ना वो काफी ज्यादा मुझे रियल लग रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है डीमन एप किंग साथ ही साथ जियान लुंग और युआंगलिंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और इधर जो युआंगलिंग होती है वो अपने जीतर से बहुत सारे साउंड अटैक्स उस डीमन एप किंग पर कर रही होती है। डीमन एप किंग से अब युआंगलिंग और जियान कुन बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। वहां पर डीमन एप किंग बोलता है, मुझे किसी भी हालत में इस जीतर वाली लड़की को पहले संभालना होगा, अगर मैं उसको थोड़ा सा नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से इन दोनों कल्टिवेटर को संभाल सकता हूँ। और गाइस हमारा वहाँ पर मेन कैरेक्टर लिंगडोंग आराम से शांति से खड़ा होकर ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पे टेलीग्राम चैनल का प्राइस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहां पर केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मिनी मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन एप किंग को दिखाया जाता है। जो डीमन एप किंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जियान कुन और युआंगलिंग से फाइट कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग वहीं पर साइड में खड़ा होकर सारे नजारे को एकदम पॉपकॉर्न के साथ देख रहा होता है और एनालिसिस कर रहा होता है, ये हो रहा है बहुत ही बढ़िया, ऐसा हो रहा है, अच्छा इसको ऐसा करना चाहिए था, लिंगडोंग यही कर रहा था। मतलब उसको ये मिशन दिया गया था कि साइड से मदद करो, अब मतलब साइड से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि साइड से मदद क्या करे। और हमें इधर डीमन एप किंग को दिखाया जाता है। जो डीमन एप किंग होता है वह कहता है, मुझे किसी भी हालत में पहले उस जीतर वाली लड़की को संभालना होगा, अगर मैं एक बार
उस जीतर वाली लड़की को संभालने में कामयाब हो गया और उसे पीछे हटा देता हूँ तो मैं इन दोनों कल्टीवेटर से आसानी से फाइट कर सकता हूँ। वो जो जीतर का आवाज है और जो साउंड अटैक्स है वो मेरी पावर को सप्रेस कर रहे हैं, जिसके कारण मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये दोनों कल्टीवेटर मुझ पर भारी पड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में मेरे पर काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए वहाँ पर जो डीमन एप किंग होता है वह पहले युआंगलिंग और जियानकुन से एकदम खतरनाक तरीके से उनके दो मुंह पर पंच मारता है, जिसके कारण युआंगलिंग और जियानकुन का थोड़ा सा ध्यान भटकता है और एक ही झटके में वहां पर जो डीमन एप किंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक दहाड़ मारता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा खतरनाक आवाज निकलती है और ये आवाज जो होती है ना वो युआंगलिंग की जो जीतर से आवाज एनर्जी अटैक नहीं हो रहा है उससे उसके सभी डायरेक्शन को इधर उधर कर देती है और काफी जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण वो जो जीतर का आवाज था ना वो मतलब डीमन एप किंग के कानों में नहीं पड़ता और डीमन एप किंग अपने आप को थोड़ा सा फ्री करता है और तुरंत वहां पर वो अपनी पूरी निर्वाणा के अलावा 7 की पावर को अनलिश करता है और एक ही झटके में काफी स्पीड के साथ है सीधे वो एक काफी खतरनाक एनर्जी अटैक सीधे युआंगलिंग पर कर देता है। युआंगलिंग भी तुरंत अपने जीतर से एक काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अटैक कर देती है। दोनों का एनर्जी अटैक टकराता है और वहां पर काफी खतरनाक धमाका होता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर जो डीमन एप किंग होता है वो काफी स्पीड के साथ है सीधे युआंगलिंग को पंच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है सीधे युआंगलिंग पर कर देता है। और गाइस युआंगलिंग एक जीतर वाली है, मतलब साउंड अटैक करती है और वह थोड़ा क्लोज कॉम्बैट में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके आप लोग जान रहे होंगे जीतर वाले जो कितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो अपनी जीतर से ही अटैक करते हैं साउंड अटैक से ही। और वहां पर जो तभी डीमन एप किंग होता है वो काफी स्पीड से सीधे युआंगलिंग को पंच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से डीमन एप किंग के सामने एक खतरनाक सा ब्लैक कलर का सील प्रकट हो जाता है और यह सील होता है लिंगडोंग का ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सिंह। वहां पर लिंगडोंग आप इस फाइट में इंटरफेयर करता है, वहां पर लिंगडोंग डीमन एप किंग की तरफ देख कर करता है, अरे लड़की थोड़ा गाना बजा रही है तो आराम से सुन ना भाई, क्या मतलब अब लड़की को परेशान करने के लिए आगे आ रहा है। वहां पर जो डीमन एप किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और लिंगडोंग की वह कल्टीवेशन की पावर देखता है और उसे निर्वाणा के लेवल 5 का दिखाई देता है। वहां पर डीमन एप किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता साले तू निर्वाणा के लेवल 5 का होकर तू सच में मुझसे पंगे लेने की हिम्मत कर रहा है, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी पावर क्या है, आज मैं तेरे एकदम शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अरे भाई थोड़ा शांत हो जा, आराम से एकदम बैठकर बातें होती करते हैं। वहां पर लिंगडोंग को इतना ज्यादा शांत है देखकर, वहां पर जियानकुन युआंगलिंग साथ ही साथ इंगुआनवान भी और चुगलीखोर लड़की भी काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि यहां पर लिंगडोंग काफी देर से फाइट में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, इसीलिए वहां पर युआंगवान इंगुआनवान ने सोचा था ना कि लिंगडोंग थोड़ा सा डर उड़ गया है। और इधर हमें डीमन एप किंग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तू छोटे प्राणी आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, तू निर्वाणा की लेवल 5 का होगा, तूने मेरा इतना ज्यादा अच्छा प्लान बिगाड़ दिया, अब ये जीतर वाली लड़की मुझ पर फिर से साउंड अटैक करेगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान से कहता है थोड़ा सा पीछे हटना, इसको थोड़ा मैं संभाल लूं, ये बंदर काफी ज्यादा कूद रहा है। वहां पर जो डीमन एप किंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहां पर इंगुआनवान भी अपने जीतर को प्ले करने के लिए तैयार थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अरे इंगुआनवान जो साइड्स में वो जो सिस्टर फैंग नहीं है और उनके जो डिसाइपल्स नहीं है, मतलब यहाँ पर जो सॉरी गाइस डिसाइपल्स नहीं डाउ सेट के डिसाइपल हैं, उनके जो साथ दिया ना वो लो लेवल के डीमन से फाइट कर रहे हैं, उन जाओ और वो जो डिसाइपल्स हैं वो कमजोर हैं, तो जाओ अपना जीतर प्ले कर जो नॉर्मल डीमन एप है ना उनको पैरालाइज कर दो, जिससे यहाँ पर जितने भी डाउट है के डिसाइपल है वो सभी यहाँ पर आसपास के डीमन एप किंग को सॉरी डीमन एप को धाधा धाधा मार सके। वहाँ पर इंगुआनवान अरे सामने देखो कितना ज्यादा खतरनाक अटैक आ रहा है, तुम उसका सामना पहले करो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे कोई नहीं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो उस अटैक की तरफ देखता है और अचानक से लिंगडोंग की तीसरी आंख खुलने लगती है और वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट होने लगता है। यह प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था, इस प्रेशर से वहां पर जो आसपास का एरिया था ना वो भी एकदम जैसे बंजर होने लगा है, एकदम जेंजर लेवल का खतरनाक प्रेशर फैलता है।
आसपास के वहाँ पर जो इंगुआनुआन, वहाँ पर युआंगलिंग, साथ ही साथ जियानकुन, वो भी सभी मतलब इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं ये तो डेसोलेट डीमन आई है, ये तो वही लीजेंडरी टेक्निक है ना जिसे एल्डर झुओटोंग भी नहीं सीख पाए थे। क्या यहाँ पर लिंगडोंग सच में डेसोलेट डीमन आई को सीखने में कामयाब हो गया है? ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि जिस टेक्निक को एल्डर झुओटोंग भी नहीं सीख पाए थे उसे लिंगडोंग ने सीख लिया है। आज हमें पहली बार डेसोलेट डीमन आई की पावर को देखने को मिलेगा और अचानक से जैसे लिंगडोंग की तीसरी आंख खोलती है ना, उस आंख से काफी ज्यादा खतरनाक एक अटैक एनर्जी अटैक सीधे डीमन एप किंग की तरफ बढ़ने लगता है। डीमन एप किंग भी लिंगडोंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर एकदम डर गया था। वहां पर जो डेसोलेट डीमन आई का अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है एक ही झटके में, जो डीमन एप किंग के द्वारा अटैक किया गया था जाकर सीधे डिस्ट्रॉय कर देता और काफी खतरनाक है, सीधे जाकर डीमन एप किंग की बॉडी पर पड़ता है। डीमन एप किंग अपनी पूरी रक्षात्मक ताकत लगा देता है और पूरे लिंगडोंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और हमें वहां पर काफी खतरनाक ब्लास्ट को सीन दिखाया जाता है। और जब ब्लास्ट शांत होता है तो डीमन एप किंग जमीन पर पड़ा हुआ था, जो लिंगडोंग होता है वो अपने ब्लैक ड्रैगन स्क्राइस क्रोइंग शील्ड को एकदम पहाड़ नियर कर लेता है और एक ही झटके में डीमन एप किंग पर चलाकर मारता है और एक ही झटके में पूरा जो डीमन एप किंग होता है ना उसका मतलब चुकना चुकना हो जाता है, चटनी बन जाता है। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए और ज्वाइन हो और केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। और जैसे आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा, उसके बाद आपको केवल 499 यानी 500 रुपये अभी आपको पेमेंट करने होंगे। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर आपको ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप लोग हमारे पे टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं लाइफ टाइम वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसने डेसोलेट डीमन आई की पावर का यूज करते हुए डीमन एप किंग को हरा दिया होता है। और इस टाइम जो डीमन एप किंग होता है ना वह ब्लैक ड्रैगन स्क्राई स्क्रोलिंग सील के नीचे दबा हुआ होता है। और गाइस लिंगडोंग के पास जो ब्लैक ड्रैगन स्क्राई स्क्रोलिंग सील नहीं है, उसके पास बड़े और छोटे होने की भी पावर है। मतलब वो सील कोई नॉर्मल सील नहीं बल्कि एक सोल ट्रीजर है और उस सोल ट्रीजर के पास बड़े बहुत ही बड़े पहाड़ नियर बनने की भी क्षमता है और एक छोटा सा मिठाई के साइज का भी होने की क्षमता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर अपने ब्लैक ड्रैगन स्क्राई स्क्रोलिंग सील को अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर जो इंगुआनुआन और जो जियानकुन और युआंगलिंग होते हैं ना, ये तीनों लिंगडोंग के साथ मिशन पर आए थे, वो लोग भी लिंगडोंग के पास आते हैं। वहां पर चुगली खोल लड़की लिंगडोंग के मतलब तारीफ करती हुई कहती है, सच में तुम्हारी पावर तो काफी 7 की इंक्रीज हुई है, हम जिस डीमन एप को मिलकर नहीं हरा पा रहे थे तुमने अपनी ट्रिजर अपनी पावर का यूज करते हुए सच में उस डीमन एप को जान से ही मार दिया। क्या यहाँ पर जो अभी तुमने टेक्निक यूज की क्या सच में वो डेसोलेट डीमन आई है? वहां पर लिंगडोंग हमें सिर हिलाता है। अब यहाँ पर इंगुआनुआन, युआंगलिंग और जियानकुन भी लिंगडोंग की काफी ज्यादा थोड़ा सा तारीफ वरीफ करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार डेसोलेट डीमन आई की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखा था। डेसोलेट डीमन आई डेसोलेट हॉल की सेकंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। और गाइस आप लोग को भी पता है जब आपके पास पावर होती है तो सब आपके पास आते हैं और सब आपकी इज्जत करते हैं। तभी वहां पर जो सिस्टर फैंग होती है वो भी अपने सभी बंदों के साथ इधर आ जाती है और उधर वह डीमन एप किंग की बॉडी को देखती है और कहती है, सच में तुमने बहुत ही जल्दी डीमन एप को जान से मार दिया, आखिर किसने इसकी बॉडी को पिचुला पिचुला कर दिया, इंगुआनुआन तुमने किया? वहां पर इंग युआनुआन बोलते है, नहीं नहीं मैंने नहीं, ये हमारे जूनियर ब्रदर यानी लिंगडोंग ने किया है। वहां पर सिस्टर फैंग भी लिंगडोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो डीमन एप किंग था ना वह निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टीवेटर था और यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टीवेटर है। यहाँ तक कि अगर मतलब एक नॉर्मल कल्टीवेटर को मान लिया जाए, अगर उसका सामना अपने से एकदम लेवल 5 के पीक वाले बंदे से भी जाए ना तो भी वो बंदा सामना नहीं कर पाता। यहाँ पर लिंगडोंग दो दो अपने लेवल के ऊपर से कल्टीवेटर को मारे जा रहा है। वहां पर जो इंगुआनुआन होती है वो सिस्टर फैंग को बताती है, दरअसल लिंगडोंग ने यहाँ पर डेसोलेट डीमन आई का यूज किया है। डेसोलेट डीमन आई का नाम सुनते हुए वहां पर फैंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि सिस्टर फैंग भी
डाउस सेट की ही डिसाइपल थी। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सिस्टर फैंग को ये क्यों नहीं पता चला कि लिंगडंग ने यहाँ पर डीमन नेपकिन को ऐसे मार दिया, तो सिस्टर फैंग ने नहीं देखा है क्या? तो ऐसा नहीं है, जो सिस्टर फैंग है ना, यहाँ पर जो बाकी डीमन नेप नहीं है उनको मारने के लिए अपने सभी डाउस सेट के डिसाइपल्स की मदद करते पूरे जंगल में सभी डीमन नेप को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। रीजन यह था, यहाँ पर जो इमोर्टल युवान एंशियन ट्री नहीं है उसके खबर को फैलने से रोक दिया जाए। अगर आसपास खबर फैल जाती ना तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं मतलब थोड़े इलीगल ग्रुप हैं, वो लोग इन लोग पर अटैक भी कर सकते हैं, इसीलिए सारे खबर को दबाया हुआ जा रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआन युवान के पास आता और कहता है, इंगुआन युवान तुम्हें पता है ये जो इमोर्टल युवान एंशियन ट्री है उस पर जो फल लगा हुआ है उसको पकने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पर ये जो इमोर्टल युवान एंशियन ट्री का बीज हमें कैसे मिलेगा? वहाँ पर जो इंगुआन युवान होती है वह कहती है रुको, उसके बाद वो जाती है फल की दशा को चेक करते और कहती है इस फल को पकने में कम से 5 से 6 दिन तो लगेंगे ही, मिनिमम मान लिया जाए तो 8 से 5 दिन लगेंगे ही, हमें 5 दिनों तक यहाँ पर रुकना होगा और पेड़ की काफी ज्यादा हमें सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है हमें न्यूज फैलने से रोकना होगा, और यह मिशन अब काफी ज्यादा डेंजर होते जा रहा है। फिर वह सिस्टर फैंग से पूछती है, सिस्टर फैंग क्या आपने डाउसेट को इन्फॉर्म कर दिया है कि हमें यहाँ पर इमोर्टल युवान एंशियन ट्री मिला है? वहाँ पर सिस्टर फैंग बोलती है हाँ मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, बट यहाँ पर न्यूज जाने में और वहाँ पर बैकअप आने में कम से 5 से 6 दिन या 7 दिन का भी टाइम लगता है, यहाँ से ना डाउसेट काफी ज्यादा दूर है। वहाँ पर इंगुआन वन बोलते तो ठीक है, सभी लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसेमंद बंदे को लाए सिस्टर फैंग, आज से हम लोग 5 दिनों तक जब तक ये वहाँ पर जो इमोर्टल एंशिएंट ट्री का पेड़ का फल नहीं है वो पक नहीं जाता तब तक हम लोग यहीं पर बैठकर इस फल की देखभाल करेंगे, और आसपास पूरा सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, इस पूरे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, नॉर्मल कल्टिवेटर्स को यहाँ पर आने मत दीजिएगा। वहाँ पर सिस्टम फैंग बोलती है ठीक है मैं सारा सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक अजीब से खंडर नियर पैलेस का सीन दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर एक सिंहासन था, उस पर एक कल्टीवेटर बैठा हुआ था, और साइड बाय साइड बहुत सारे राजा नियर जैसे ने एकदम दरबार होता है वैसे ही मंच लगा हुआ था, और वहाँ पर कल्टीवेटर्स बैठे हुए थे। उनका जो हेड होता है उसको न्यूज मिलती है कि जितने भी डीमन एप किंग के साथ जितने भी डीमन एप है ना वो सारे मारे जा चुके हैं। वहाँ पर तभी एक बंदा खड़ा होता है और कहता है ये डाउट सेक्ट वाले काफी ज्यादा मतलब निर्दयी होते जा रहे हैं, उन्होंने मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने पूरे हमारे डीमन एप को मार दिया, मतलब जितने भी डीमन एप को हमने स्पाई बनाकर वहां पर भेजा था ना, और गाइस वो सारे जो डीमन एप थे ना वो ट्रेन थे लगता है मुझे, वो सारे डीमन एप मारे जा चुके हैं। तभी उनका जो मेन जो लीडर बैठा नहीं हुआ था वो बोलता कहीं ऐसा तो नहीं है डाउसेट के लोगों को इमोर्टल युवान एंशियन ट्री के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए उन्होंने पूरे डीमन एप को मार दिया, साथ ही साथ डीमन एप किंग को भी जान से मार दिया, मतलब वो सारे बंदे हमारे थे। वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है लगता है ऐसा ही हुआ है, एक बात बता करो तुम्हें कुछ आसपास की न्यूज मिली है क्या? तभी उन्हीं में से एक बंदा खड़ा होता है और कहता हाँ महामहिम दरअसल हमें एक न्यूज मिली है कि डाउसेट ने अपने कुछ डिसाइपल्स को माइन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भेजा था, कहीं उन्हीं डिसाइपल्स ने इमोर्टल एंशिएंट युवान ट्री को ढूंढ तो नहीं लिया। तभी वहां में से एक और जो बहुत ही ज्यादा अजीब सा कटोट लगा हुआ था वो बंदा खड़ा होता कहता है महामहिम ऑर्डर दीजिए कि हम डाउसेट की माइंस पर अटैक करें और वहां पर जो इमोर्टल एंशिएंट युवान ट्री है उसको अपने कब्जे में ले ले। उनका लीडर बोलता है नहीं हम डायरेक्ट ऐसे डाउसेट की माइन पर अटैक नहीं कर सकते और इमोर्टल युवान एंशिएंट ट्री पर ऐसे हम लोग अटैक नहीं करेंगे। देखो अभी हमें एक बात कंफर्म नहीं है कि जो एंशिएंट युवान इमोर्टल ट्री है ना उसके अंदर वहां पर उसका बीज भी हो सकता है, फल तो नॉर्मल है बट हमें बीच पर ज्यादा फोकस करना होगा, अगर हमने पहले ही अटैक कर दिया और वहां पर जाकर सबको मार दिया उसके बाद इमोर्टल युवान एंशिएंट ट्री पर कब्जा कर लिया और हमें पता चला कि वहां पर जो एंशिएंट ट्री है उसका बीज नहीं है
तो हमारी सारी मेहनत बेकार चल जाएगी और हमारे लिए एक और बुरी बात हो जाएगी कि डाउस एक्ट है अपना पावरफुल बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हमारे पीछे शिकार करने के लिए लगा देंगे। अगर डाउस एक्ट ऐसा कर देता है तो सच में हमारे ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत आ जाएगी और फिर हम डाउस एक्ट के उन कल्टीवेटर का सामना नहीं कर पाएंगे और वो सारे कल्टीवेटर्स के ग्रुप हमें जान से मार डालेंगे। पहले हमें एक काम करना होगा, पहले अपने स्पाइस को जहाँ पर वो माइंस है ना वहाँ पर अपने स्पाइस को भेजो और वहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखो और वहाँ पर इमोर्टल युआन एंशियंट ट्री की पल पल की खबर मुझे लगा दो। और जैसे तुम लोग को ये कंफर्म हो जाता है कि इमोर्टल एंशियंट युआन ट्री का सच में वहाँ पर बीज है, जब वो फल गिरेगा ना तो गाइस तब वहाँ पर बीज प्रकट होगा। अगर सच में वहाँ पर बीज है तो तुम मुझे इन्फॉर्म करो, तो फिर हम लोग उस माइंस पर अटैक करेंगे और वहाँ पर जितने भी डाउस एक्ट के डिसाइपल्स हैं ना उन सभी को जान से मार देंगे और उनसे इमोर्टल युआन एंशियंट ट्री का बीज छीन लेंगे। उसके बाद हम उस बीज को लेगा कर फिर से युआन गेट को सौंप देंगे और मुझसे जो युआन गेट में अपराध हुआ था ना उसे माफ कर दिया जाएगा और फिर हमें युआन गेट में वापस ले लिया जाएगा। एक बार हम वो युआन गेट में वापस चले गए तो अगर हमने डाउस एक्ट के 100 से भी ज़्यादा डिसाइपल्स को भी मारा है ना तो भी डाउस एक्ट के जितने भी एल्डर्स हैं या जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं वो डाउस एक्ट में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे और हमारी लाइफ भी सेव रहेगी। अगर हमने इस टाइम पागलों की तरह कोई हरकत करते हुए सीधे डाउस एक्ट के उन डिसाइपल्स को अटैक करके जान से मार दिया और हमें पता चला कि इमोर्टल युआन एंशियंट ट्री का बीज ही नहीं है, उसके बाद तो हमारा वो हालत हो जाएगा ना, हमें जड़ से ही डाउस एक्ट मिटा देगा और युआन गेट भी हमारा मदद नहीं करेगा। वहाँ पर वो सारे कल्टीवेटर्स बोलते हैं, महामहिम तुसी ग्रेट हो, सच में आपका प्लान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अपने स्पाइस को भेजो, अब ये कुछ टाइम में पता चलेगा कि जो डाउस एक्ट की डिसाइपल है वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और गाइस ये जो बंदा लीडर नहीं था वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं बल्कि निर्वाणा की लेवल 9 का कल्टीवेटर है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें माइन का सीन दिखाया जाता है, माइन में उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इमोर्टल युआन एंशियंट ट्री था, वहीं पर लिंगडोंग इंगुआन वान सिस्टर फैंग साथ ही साथ वो दोनों लॉन्डे जो लिंगडोंग के साथ रहते वो भी खड़े थे। वहाँ पर जो इंगुआन वान थी वो लिंगडोंग के पास बैठी हुई थी और वो दोनों लॉन्डे इंगुआन वान को मतलब घूर घूर कर देख रहे थे, मतलब थोड़ा सा नहीं लिंगडोंग से वो लोग जल रहे थे। आप लोग भी जानते हैं लिंगडोंग इस चुगलीखोर लड़की से क्या ही मतलब ऐसा वैसा कुछ करेगा, बट वहाँ पर जो ये दोनों लॉन्डे नहीं थे वो इंगुआन वान को उन पर क्रश था। एक तो इंगुआन वान का बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पावरफुल भी थी और सुंदर भी थी, तो क्रॉस कौन नहीं करेगा। अरे थोड़ा सा चिल्लाती उल्लाती है, अंटसंट बोल देती है तो इतना तो वो लोग झेल ही लेंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें इंगुआन वान का सीन दिखाया जाता है जो सिस्टर फैंग से पूछते, सिस्टर फैंग क्या मतलब क्या अपडेट है, क्या डाउस एट का बैकअप इधर आने वाला है, कितना टाइम और लगेगा। अब यहाँ पर ये जो फल है ना वो भी देखिए कितना ज़्यादा पकड़ा और इससे एनर्जी भी एकदम धीरे धीरे रिस रही है। एक बार ये फल गिर गया तो हो सकता है कि इमोर्टल युआन एंशियंट ट्री अपना बीज भी दे दे। अगर ऐसा हो गया तो सच में आप समझ रहे ना ये मैटर कितना ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। वहाँ पर जो सिस्टर फैंग होती है वह कहती है, मैंने पहले ही डाउट सेट को मतलब ये इन्फॉर्मेशन भेज दी है, बैकअप आने में कल का टाइम लग सकता है, कल या परसों तक पक्का ही बैकअप आ जाएगा। उसके बाद जो इंगुआन वान होते वह कहते हैं, ठीक है सिस्टर फैंग। उसके बाद जो इंगुआन वान होते वह लिंगडोंग से कुछ बातें करने लगती है और वह बातों में कहती है, लिंगडोंग अगर तुम डाउस एक्ट को ज्वाइन करते ना, डाउस एक्ट में अगर तुम स्काई हॉल को ज्वाइन करते तो सच में तुम्हारी इस प्रतिभा के साथ वहाँ पर तुम्हारी प्रगति काफ़ी तेज होती। मतलब गाइस यहाँ पर ये जो चुगलीखोर लड़की है ना वो लिंगडोंग को चाहती थी कि लिंगडोंग स्काई हॉल में ज्वाइन होए और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया से अपनी कल्टिवेशन करे, अपनी पावर बढ़ाए। वहाँ पर जो चुगलीखोर लड़की वो भी जानती थी कि जो लिंगडोंग है ना अगर वो डेसोलेट हॉल में रहेगा, एक तो वहाँ पर पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, मार्शल आर्ट टेक्निक है बट वहाँ की जो लीजेंडरी मार्शल आर्ट टेक्निक है ना डेसोलेट हॉल की उसके कोई सीख नहीं सकता। मतलब आप लोग भी जानते हैं द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक ऐसे कुछ नाम है, वो मार्शल आर्ट टेक्निक को केवल आज तक
एल्ड्रिज हुवोचोंग और बहुत सारे पिछले एंशिएंट टाइम के कल्टीवेटर ने उस टेक्निक को सीखा था, बट वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, डाउ सेट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट उस टेक्निक को सीखना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लिंगडोंग उस टेक्निक को सीखने कब जाएगा, तो देखिए लिंगडोंग जब इस मैटर से बाहर निकलेगा ना, मतलब ये मिशन पूरा कर जाएगा, तब तक हो जाएगा, क्योंकि एल्ड्रिज उडाओ ने बताया था कि 3 महीने का टाइम लगेगा जहां पर वो जो टेक्निक रख के उसका गेट खोलने में, और लिंगडोंग के मतलब 1 से 1.5 महीने तो इधर ही हो गए। तो यहां से लिंगडोंग जैसे ही डाउ सेक्ट में वापस लौटेगा, वो वैसे ही डेसोलेट मार्शल टेक्निक सीखने के लिए पहुंच जाएगा, तो आप लोग को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वहां पर जो इंगुआन वान होते वो लिंगडोंग को बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही होती है, मतलब बकर बकर लिंगडोंग को ज्ञान ही दे जा रही होती है। उसका मेन मोटो केवल सेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, सेक्ट को किस तरह से इस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, यही बातें वो कर रही थी, मतलब वो किस तरह से सेट को फायदा पहुंचाएगी, दिन भर केवल सेट के बारे में सोचती थी। मतलब लिंगडोंग भी डाउ सेट की इज्जत उज्जत करता था, बट लिंगडोंग ने बहुत सारी दुनियाएं देखी थी, उसने बहुत सारी मुसीबतें झेली थी, उसके लिए डाउ सेट का प्यार था। बट अगर यहाँ पर अगर लिंगडोंग की जान पर बन जाए, अगर लिंगडोंग के सामने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कल्टीवेटर आ जाए, तो ये नहीं वो सेट के लिए एकदम मर ही जाएगा। तभी वहां पर जो इंगुआन वन होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग हमें किसी भी हालत में इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का जो बीज है वो अपने डाउ सेक्ट में लेकर जाना होगा, अगर एक बार हम इसके बीज को अपने डाउ सेक्ट में लेकर चले गए तो डाउ सेक्ट में भी एक इमोर्टल एंशिएंट युआन ट्री का पेड़ होगा, जिससे वहां पर बहुत सारे पावरफुल फल उगेंगे, और उसका यूज करते हमारे सेट के डिसाइपल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जिससे हमारे सेट की प्रगति भी काफी स्पीड के साथ होगी। वहां पर लिंगडोंग ने जब से मतलब इस लड़की से बात किया था कि वह सेट की ऐसे करना है, सेट में वैसे करना है, दिन भर वहां पर लिंगडोंग भी कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, ताकि तुम यहाँ पर जो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है ना, उसका बीज लगाकर एकदम सेक्ट में लगा सको। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी सारे मतलब मार्शल यूनिवर्स के एपिसोड देखने हैं ना गाइस, अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही, अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं, तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको केवल 499 यानी 500 रुपये पेमेंट करने होंगे, फिर आपको मैं मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर इंगुआन वा लिंगडोंग से सेट के ऐसे करना वैसे करना केवल यही बातें बताई जा रही होती है। उसके बाद हमें वहीं पर उन दोनों लॉन्डो को नहीं दिखाया जाता है जो लिंगडोंग के साथ मिशन पर आए थे, वो थे अर्थ हॉल से युआन लिंग और फ्लड हॉल से आपका जियान कुन। वो लोग मतलब आप लोग भी जानते हैं कि वो लोग इंगुआन वान पर उनका क्रश है, और कभी से इंगुआन वान मतलब लिंगडोंग के साथ ही बातें होती की जा रही है, उन लोग पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा मैटर यहाँ पर बुरा लग ही सकता है। तभी वहाँ पर वो दोनों मतलब फिर से इंगुआन वान के पास जाकर बैठने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें पेड़ से काफी ज्यादा स्ट्रांग हवा फैलती हुई महसूस होती है, पेड़ से धीरे धीरे मीठी मीठी खुशबू बहने लगती है, सारे लोग तुरंत पेड़ की तरफ देखते हैं, पेड़ से काफी ज्यादा स्ट्रांग एक मीठी मीठी सुगंध चार तरफ फैलने लगती है। वहां पर लिंगडोंग भी पेड़ की तरफ देखता है, वहां पर जो इंगुआन वान होती है वो पेड़ पर चारों फलों को देखती है, सॉरी पांचों फलों को, और कहती है ये जो फल है वो सच में यहाँ पर फल पकने वाले हैं, अभी फल जमीन पर गिरेंगे। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, पेड़ से काफी ज्यादा अजीब सी रोशनी और सुगंध एकदम फैल रही होती है, स्ट्रांग हवा भी इधर उधर फैल रही होती है, और फाइनली पांचों फल वहां से गिरते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन पांचों फलों को अपने पास रख लेता है। और गाइस, यहाँ पर जो एंशिएंट युआन एंशिएंट ट्री है, जो पेड़ नहीं है, इसका जो बीज है वो फल गिर गया है, अब फल मतलब जो डालियां है ना उससे कुछ एनर्जी निकलेगी, उसके बाद बीज बनेगा, फल के अंदर बीज नहीं है, मतलब ऐसा ही नॉवल में लिखा है, फल के अंदर नहीं बल्कि डालियां अपनी पावर्स का यूज करते बीज बनाएंगे। तो थोड़ा सा पिछले एपिसोड में मैंने आपको गलत बता दिया था, तो इसके लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। और अचानक से वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फलों को देखता है, फलों में काफी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी थी, ये लिंगडोंग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था, बट लिंगडोंग का मेन मोटिव ये फल नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो सीड है
वह उनका मेन मोटर था। सारे लोग पेड़ की तरफ देखने लगते हैं। पेड़ से काफी ज्यादा अजीब सी हरी कलर की रोशनी निकलती है। हरी कलर की रोशनी से वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बवंडर बनता और फाइनली वहां पर एक चमचमाता हुआ सुनहरा सा बीज हमें दिखाई देता है। जैसे वो सीड वहां पर प्रकट होता है, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एक एनर्जी का इतना ज्यादा भयानक एनर्जी, आभा और सुगंध का धमाका होता ना, ये जो आभा और सुगंध वो लगभग 50 किलोमीटर तक फैल जाती है। लिंगडोंग इस बीज जब है, जैसे बीज प्रकट हुआ था ना, और इस धमाके से काफी ज्यादा एकदम शॉक में था, क्योंकि लिंगडोंग ने कभी नहीं सोचा था कि जब ये बीज प्रकट होगा तो इतनी ज्यादा खतरनाक अपनी एनर्जी और आभा छोड़ेगा कि 50 किलोमीटर तक कोई भी सेंस कर सकता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, लो एल लग गए सबके, हम लोग कभी से यहाँ पर न्यूज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेन पॉइंट पर इस पेड़ ने ही सबके एल लगा दिए। ये पेड़ से जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकली है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर, 50 किलोमीटर तक फैल चुका होगा। यो सिस्टर फैंग, आप बता सकती यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स तो नहीं है, और यहाँ पर कल्टीवेटर जो है उनका लेवल क्या है? वहां पर जो सिस्टर फैंग होती है वह कहती है, यहाँ पर 50 किलोमीटर के एरिया में 3 शहर पड़ते हैं, और वहां पर भी ग्रुप्स हैं, कुछ इलीगल ग्रुप्स हैं और कुछ लीगल ग्रुप्स हैं। लीगल ग्रुप उतना ज्यादा हम पर अटैक कर ध्यान नहीं देंगे, बट यहां पर इलीगल ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं, और उनमें से एक ग्रुप है जो हम पर बहुत समय से नजर बनाए रखे हुए है। हमने उस ग्रुप के बहुत सारे स्पाइस को जान से मारा अभी कुछ टाइम पहले, 5 दिनों पहले ही ना, मतलब बहुत सारे स्पाइस उधर उधर घूम रहे थे, इसलिए हमने डाउस एक्ट में मतलब आसपास काफी ज्यादा स्ट्रांग पैरा लगा दिया था, और लगभग 3-4 स्पाइस को हमने पकड़ कर जान से मार दिया, और हमें उनका बैच देखकर यह पता चला था कि वो सारे ही डेविल सी मास ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और डेविल सी मास ग्रुप ब्लड क्लिफ ग्राउंड का एक बहुत ही ज्यादा इलीगल ग्रुप है, और इनका जो लीडर है उसका नाम यावलिंग है, और उनका लीडर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि वो पहले से निर्वाणा के लेवल 9 पर पहुंच चुका है। और यहाँ से जो एनर्जी निकली है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर है। अब हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़े खतरे आ सकते हैं, हमें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहां पर जो इंगुआन वन होते हैं वह कहते, क्या यावलिंग, ये तो युआन गेट का एक एल्डर था ना पहले। वहां पर सिस्टर फैंग बोलते, हाँ यावलिंग पहले युआन गेट का एल्डर था, लेकिन उसने युआन गेट में कोई बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया था, जिसके कारण युआन गेट ने उसे अपने सेक से उठाकर बाहर फेंक दिया था। इसीलिए यहाँ पर जो यावलिंग था वो इस ब्लड क्लिफ डेविल ग्राउंड में यहाँ आकर अपना ग्रुप बनाकर रहने लगा है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह इंगुआन वन से कहता है, इंगुआन वन पहले इस सारे मैटर को छोड़ो, अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो चुकी है, किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर इतना बड़ा एनर्जी का धमाका होगा जिससे 50 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया तक ये एनर्जी फैल सकती है। पहले तुम एक काम करो, पहले जाकर एंशियंट इमोर्टल युआन ट्री का जो बीज है ना उसको इकट्ठा करो और अपने पास रखो। अब ये मामला ऐसे निपटेगा नहीं, अब हमें यहाँ पर लड़ना होगा। वहां पर जो इंगुआन वन होती है वह कहती है, हाँ अब यहाँ पर लिंगडोंग के जो सारे दोस्त थे यहाँ पर डाउ सेट के डिसिपल एकदम तैनात कर दिया जाता है आसपास, और अब हमें इंगुआन वन को दिखाया जाता है। जो इंगुआन वन होती है ना वो एंशियंट इमोर्टल युआन ट्री के पास जाती है, और फिर उसके बीज को अपने मतलब कियानकुन बैग में निकाल कर रख लेती है। अब यहाँ पर मैटर काफी ज्यादा गंभीरता की, आखिर क्या करे, हो सकता है कि अगर ये जगह से वो लोग बाहर निकले तो पहले कुछ ग्रुप्स अटैक कर दे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो उन लोग की बातों पर उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, वो लोग अपना प्लानिंग बना रहे होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह इंगुआन वन और सिर्फ फैंग की तरफ देख कर बोलता है, अच्छा आप लोग एक बात बताइए, अब यहाँ पर बीज भी मिल चुका है, फल भी मिल चुका है, अब मैं इस पेड़ को क्या रख सकता हूँ, मतलब ये पेड़ मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, तो मैं क्या इस पेड़ को अपने साथ ले जा सकता हूँ? वहां पर इंगुआन वन बोलती है, हाँ ये पेड़ तुम ले जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना लिंगडोंग, ये पेड़ की जली काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, यहाँ तक कि हम भी निर्वाणा के लेवल 7 के कल्टीवेटर ना इस पेड़ की जड़ को उखाड़ नहीं सकते, ये पेड़ काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस पेड़ को उखाड़ सकते हो? वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अरे यार तुम लोग केवल ये बोलो ना कि तुम लोग को इस चीज का काम नहीं है, मैं इस पेड़ को अपने पास ही रख लेता हूँ। सारी कल्टीवेटर्स मतलब लिंगडोंग की इस हरकत को देखने लगते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है ना वो कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, और एक बार वो जमीन में लग गया तो उसको उखाड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आपकी पावर एक तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए तभी आप उखाड़ सकते हैं। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो जमीन में अपना हाथ डालता है, थोड़ा सा खुदाई उदाई करता है, और जो जड़ों पर जा पास जाता है,
और जड़ों पर अपनी पूरी फोर्स लगाकर तुरंत एक जड़ को पहले बाहर निकालता है। वहां पर लिंगडोंग को एहसास होता है, जब उसने एक जड़ को खींचा था ना, तो उसमें उसने अपनी पूरी ताकत ही लगा दी थी। वहां पर लिंगडोंग भी सोचता है, सच में ये इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री की जड़ें काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक का यूज करता है और उसकी पूरी बॉडी पर ग्रीन ग्रीन कलर का स्केल्स दिखाई देने लगते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंगडोंग की आबा घूमने लगती है और फाइनली लिंगडोंग आधे घंटे तक पेड़ को हिलाता रहता है, ऐसे उठाकर, मतलब जड़ उखाड़ता है ऐसे उखाड़ता है। और फाइनली लिंगडोंग आधे घंटे में इतना ज़्यादा मेहनत वहनत करने के बाद, लकहाड़ी कुल्हाड़ी वाला काम करने के बाद, फाइनली वो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री पेड़ को जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर लिंगडोंग जो होता है ना, उस पेड़ को अपने कियानकुन बैग में रख लेता और कहता हो गया। और इधर हमें इंगुआन युआन और सिस्टर फैंग और क्या नाम है, सारे बंदे काफी ज्यादा शौक में एकदम लिंगडोंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि गाइस ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था। लिंगडोंग ने आधा घंटा टाइम लगाया था, बट यहाँ पर इस पेड़ को खाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है यार। अगर इंगुआ निवास सिस्टर फैंग और जियानकुन याउलिंग सारे लोग मिलकर भी इस पेड़ को उखाड़ने लग जाना, तो भी पेड़ उखड़ेगा नहीं इनसे। और लिंगडोंग ने मतलब आधे घंटे में पेड़ को एकदम हिला उला कर ठोक ठाक कर उखाड़ उखाड़ दिया। सच में काफी ज्यादा अजीब बात थी, वो उनकी बहुत ही ज्यादा मतलब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर वो लोग लिंगडोंग को ही देख रहे होते हैं। तभी जो लिंगडोंग होता है ना, वो भी पेड़ रखने के बाद उनकी तरफ देखता है और उनकी नजरों को देख कर कहता है, अरे भाई ऐसे क्या घूर रहे, मतलब भाई पेड़ ही था उखाड़ कर रख लिया। तभी लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा एक अजीब सी मिस्टीरियस आभा महसूस होती है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने ना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर कर रखा हुआ था। वहां पर लिंगडोंग को एहसास होता है, सच में यहाँ पर कुछ अजीब है। लिंगडोंग कहता है हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत आसमान में उड़ जाता है और तुरंत लिंगडोंग के पीछे पीछे सारे लोग आसमान में उड़कर देखने लगते हैं। आसमान में हमें एक काले कपड़े पहने हुए बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है। वो सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। वहां पर जो सिस्टर फैंग और इंगुआन वान होते हैं वो ग्रुप के आगे आ जाते हैं और कहती हैं, ये तो डेविल सी मास ग्रुप के लोग हैं, यानी उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया है। सबसे बड़ा खतरा उनका लीडर है, अगर उनका लीडर यहाँ पर हम पर अटैक करेगा तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। उनका लीडर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 9 के एकदम पीक का कल्टीवेटर है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी जो डेविल सी मास ग्रुप का एक बंदा आगे बढ़ता है, वो बंदा अपनी चेहरे पर से अपना काला मास्क हटाता और कहता है, सिस्टर फैंग क्या बात है, मिलकर अच्छा लगा। अच्छा चुपचाप रहो यार, मतलब यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर तुम लोग अपना जान और बचाना चाहती है ना, तो सच में तुम्हारे पास केवल एक ही लास्ट ऑप्शन है। तुम्हारे पास जो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री का जो बीज है नहीं है, वो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। देखो यहाँ पर हमारे लीडर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने अपने 6 कमांडरों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग कमांडर मेरे को भेजा है। तुम लोग भी जानती हो मेरी पावर पहले से निर्वाणा के लेवल 8 तक पहुंच चुकी है, और तुम लोग में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। फालतू में हमसे क्यों पंगे ले रहे हो। वहां पर जो इंगुआन वान होती है और सिस्टर फैंग होती है, वो भी उस बंदे को देखती है। वहां पर गाइस इंगुआन वान सिस्टर फैंग से पूछते, सिस्टर फैंग आप इस बंदे को जानती हैं। वहां पर सिस्टर फैंग बोलती, हाँ ये जो बंदा है वह जो डेविल सी मास ग्रुप ने है, उसमें 6 कमांडर है और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर जिसका नाम है सू लाई है। तो गाइस आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या सच में यहाँ पर यावलिंग जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 9 की है, वो क्या सच में इनके ग्रुप पर अटैक करने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 5 पर होते हुए क्या सच में वो निर्वाणा के लेवल 9 के पीक वाले कल्टीवेटर का सामना कर पाएगा, या यहाँ पर लिंगडोंग कौन से ट्रिजर का यूज करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ही लिंगडोंग हीरो बनकर सबको बचाएगा। आगे क्या होने वाला है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पेड पर पहले अपलोड हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, यहीं पर बने रहिए।